नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है पीटीटी 2023 को लेकर। टू ईयर बीएड वालों की काउंसलिंग की डेट यहां पर भैया जारी कर दी गई है। अलॉटमेंट जो फर्स्ट अलॉटमेंट है भैया यहाँ पर जारी कर दिया गया है। काफी इंतजार आप कर रहे थे, साइट थोड़ा सा बिजी हो चुकी है, काफी चीज लोगों को देखने को नहीं मिल रहा होगा अभी वेबसाइट पर, लेकिन मैं सीधे लेके चलता हूँ गूगल पर। आपको ध्यान रखें, गूगल के माध्यम से सीधे चलते हैं वेबसाइट पर। GGTU टाइप करेंगे यहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट पीटीटी GGTU के नाम से बनी हुई है भैया, इसको लॉगिन करेंगे। टू ईयर बीएड पे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए भैया प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे जब हम चलते हैं तो आपको काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ और काउंसलिंग नंबर, ये सारे जो रोल नंबर वगैरह है इसको डालने के बाद में आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखें, अलॉटमेंट निकलते ही उसका स्क्रीन शॉट लेना है सबसे पहले, उसको सेव कर लेंगे ध्यान रखें, और उसमें देख लेंगे आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जो कट ऑफ का आइडिया कभी भी ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कट ऑफ में समस्या क्या रहती है। कट ऑफ में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि काफी लोगों की चॉइस अलग अलग हो सकती है भरने में, कॉलेज चॉइस अलग अलग हो सकती है। देखो साइट यहाँ पर वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन अलॉटमेंट यहाँ पर जारी हो चुका है ध्यान रखें। अपना अपना देख लेंगे, लिंक अवेलेबल करवा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। प्रिंट अलॉटमेंट जो होगा ये ध्यान रखें, प्रिंट अलॉटमेंट जो आपका होगा, अलॉटमेंट लेटर जो है आपका, उसको आप संभाल के रखेंगे। उसमें क्या करना है, जो कॉलेज आपको दिया है भैया वो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, उसमें ही नीचे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ आएगा अपलोड 10th 12th की मार्कशीट। ये ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, ₹22,000 फीस जमा करवानी होगी, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो अब देखो पहले क्या हुआ था भैया कि यहाँ पे 28 को अलॉटमेंट आने वाला था, 2 तारीख तक यहाँ पर मतलब की होने वाली थी काउंसलिंग, जो ₹22,000 फीस होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर अब 27 को नहीं आया, अब 30 को देखने को मिल रहा है, 30 जुलाई को देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, 2 दिन एक्स्ट्रा आप ऑटोमेटिकली बढ़ा देना यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अभी न्यू नोटिस आ जाएगा, इसको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, थोड़ी देर में अपडेट कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखें। अभी तो डेट यही रहने वाली है, लेकिन जैसे नोटिस आएगा मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा डेट्स का भी। ₹22,000 जो आपको फीस जमा करवाने हैं, कोई मित्र के माध्यम से जमा होंगे, सबसे पहले आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी ई मित्र पर, ये ध्यान रखें। ई मित्र पर जब आप ₹22,000 फीस जमा करवाएंगे तभी आपको क्या जमा करवाना पड़ेगा, आपको वहां पर 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आप टू ईयर बीएड करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिएगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, ये ध्यान रखें। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है किसी का, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस चाहिएगा, ये ध्यान रखें। और एक आएगा यहाँ पर अपना फोटो, जो सेल्फी रहेगा वो वहीं पे खींचेगा, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन ही वो फोटो आपका चाहिएगा। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं बीएड कर रहा हूँ, इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे मतलब प्रिंट अलॉटमेंट लेटर में आपको उसका फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, ठीक वैसा लिखना है, अपने हाथ से लिखेंगे और उसको मतलब साइन कर देंगे, ध्यान रखें। नॉर्मली होता है, उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे, तो ध्यान रहे ये इन्फॉर्मेशन है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपको। पहले ई मित्र पे ₹22,000 फीस जमा होंगे, उसके बाद में कॉलेज रिपोर्टिंग होगी। अभी देखो शेड्यूल है ना जो ये बदलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे अभी तक वेबसाइट पर देखो 27 के हिसाब से शेड्यूल आया है, डेट्स जो बदलेंगे यहाँ पर 30 के हिसाब से जो आएंगे ना, उनको आपको देखना है ध्यान रखें। तो अभी अलॉटमेंट लेटर निकालना है, डेट्स का जो शेड्यूल आता है वो बता दूंगा मैं, ध्यान रखें। अभी क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर निकाल लेंगे, ₹22,000 मित्र पे फीस जमा करवा देंगे, कॉलेज रिपोर्टिंग आपको करवानी है, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिपोर्ट, ऑनलाइन जो आपका मतलब रिपोर्टिंग करवाएंगे उसी में ध्यान रखें। ₹22,000 जब आप फीस जमा करवाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट जो चाहिए ठीक सेम वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कॉलेज रिपोर्टिंग के समय, तो ध्यान रहे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये डेट्स बदलेंगी यहाँ पर, क्योंकि पहले अलॉटमेंट 27 को आ रहा था, यहाँ पर 30 को आया, तो अभी मौका मिलेगा, ये जो 2 दिन रहे हैं ये आगे बढ़ जाएंगे ध्यान रखें। तो ये डेट्स मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा जैसे नोटिस यहाँ पर अपडेट होगा। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बार बार आपका सवाल ये रहेगा कि कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि ये चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति ने 20 कॉलेज भरी हुई, किसी ने 5 कॉलेज भरी हुई, किसी ने 1 ही भरा होगा, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसकी चॉइस किस हिसाब से रही है। तो कंफर्म यहाँ पर कट ऑफ एक तरीके से कह नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखें जिस जिसका अलॉटमेंट हुआ है, अब क्या करेंगे कमेंट कर देंगे अपना अपना कि इस कैटेगरी से मैं हूँ, मैंने मतलब कि कितने नंबर पर मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है, ऐसा लिख देंगे आप, कैटेगरी भी लिख देंगे, नंबर भी लिख देंगे, जैसे बाकी लोगों को पता चल जाएगा और अंदाजा भी लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई है। तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड ऑल द बेस्ट, जिसका भी निकल गया उनको ढेरों बधाई, और बाकी जो विद्यार्थी निराश नहीं हुए, सेकंड लिस्ट जब आएगी तो आपको मतलब कि यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, काफी सीटें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लिस्ट भी आने वाली है थोड़े समय बाद में, अभी फर्स्ट लिस्ट प्रोसेस रहेगा। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।